आपको उनके इस फैसले पर कितना भरोसा होता है? प्रधानमंत्री ने कहा है नई शुरुआत करते हैं, आंदोलन छोड़िए घरों पे जाइए, क्या आप इसे मानने को तैयार हैं? राकेश जी, नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है भाई एक शुरुआत तो करी सरकार ने, कम से कम एक साल बाद शुरुआत करी तो एक शुरुआत हुई है, और शुरुआत हुई है तो इसके सार्थक परिणाम भी निकलने चाहिए। एक शुरुआत हुई है, आज उन्होंने कहा है तो कम से कम एक प्रयास होगा तो समाधान होंगे, सारे समाधान होंगे। अच्छा राकेश जी, सरकार के लिए तो समाधान यही है ना कि आप और आप जैसे तमाम जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो आंदोलन के अंत का ऐलान करें, ये आप लोग कब करेंगे? हमने ये कहा है कि बातचीत तो होगी ना, कि इसका प्रारूप क्या होगा, बैठ के सरकार बातचीत कर ले और उसको कैसे फाइनल टच देना है, सरकार बातचीत करे, बैठ कर टेबल पे बात कर ले कि उन्होंने एक पहल करी है, अब इसमें बातचीत कर ले, अब तो मसले रहे नहीं। अब तो जो वे कहते थे कि भाई हम कानून वापसी ले लेंगे और बातचीत कर लो, अब तो ये होगा कि कानून में वापसी ले रहे हैं तो बातचीत शुरू करें इसको और इसको फाइनल टच देते हैं बैठ के। तो संसद में वो फाइनल कर लेंगे जब वापस हो जाएंगे कानून, तो आंदोलन को आप लोग कॉल ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी एमएसपी पे गारंटी कानून ले रहा है, उस पर सरकार ने कहा था कि जैसे ही तीन कानूनों पे पहले फाइनल हो जाती है तो उसके बाद में एमएसपी पे हम बात कर लेंगे, तो एमएसपी पे बात हो जाए ये आंदोलन वाइंड अप हो जाएगा और एक कमेटी बनेगी फिर, और कमेटी में सरकार के लोग रहेंगे और कमेटी में मोर्चे के लोग रहेंगे, और फिर जो भी मामले होंगे ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, वो बातचीत अपना चलती रहेगी, कभी भी एक महीने में बात होनी, दस दिन में बात होनी, वो अपना बातचीत चलती रहेगी, उसमें मुकदमे भी आएंगे, सीट बिल भी आएगा, हम जहाँ पे महाराष्ट्र में धानू में है, यहाँ पे पालघर में है, तो यहाँ के मसले हैं, तो जो सारे मसले हैं देश के, तो इन पे हर चीज पे बातचीत होती रहेगी, एक कमेटी बना देनी चाहिए भारत सरकार को। हाँ नहीं, इसका तो ऐलान आज प्रधानमंत्री ने भी किया, उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनेगी, कृषि मंत्री ने भी इसका आश्वासन दिया, दोनों ने ये आश्वासन दिया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा इसी महीने में संसद सत्र में हम संवैधानिक प्रक्रिया कानून वापसी की शुरू कर देंगे, तो क्या हम माने कि इस महीने के अंत में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो जाएगा? कैसा? बिल्कुल हो जाना चाहिए, हमको कोई शौक है क्या यहाँ पे? हमको भी कोई शौक नहीं है, एक शुरुआत सरकार ने करी है तो ये शुरुआत की पहल सरकार ने करी है तो बातचीत से इसको समाधान निकाल ले। हमारी भी कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है तो हम भी मीटिंग करके और सरकार को एक प्रस्ताव अपना भेजेंगे कि भाई बातचीत शुरू करो इस मामले पर, निपटाओ इसको। अच्छा, देश भर से तस्वीरें आ रही थी, कई जगहों पर किसान नाच रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हमारे तमाम सहयोगी थे वहाँ, लोग लड्डू और जलेबी खा रहे थे, तो आपने लड्डू जलेबी खाई कि नहीं खाई? आपने खुशी मनाया कि नहीं कानून वापसी? हम तो यहाँ पे हम पालघर में हैं और यहाँ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, आदिवासी क्षेत्र में हम हैं, पालघर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, हम वहाँ पे हैं और यहाँ के भी जो मसले हैं तो उस मसलों में हम यहाँ पे आए, और ठीक है एक सरकार ने एक बातचीत करी है तो उसका ठीक है, बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं इसका, किसानों को ये लगता है कि भाई हमारी बातचीत होगी है तो ठीक है, किसानों को खुशी मनानी चाहिए, लेकिन संयुक्त मोर्चा कल अपनी मीटिंग करेगा। नहीं, आप हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है फोन दे तो हमें फोन नंबर बताइए, प्रधानमंत्री से बात करना है, अब देखिए आप इतना बोलते रहे, प्रधानमंत्री ने खुद आकर कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है उस पर क्या कहेंगे पीएम पर? मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये बहस का सवाल ही नहीं रहा, अब तो प्रधानमंत्री को बात नहीं करनी, जो उनकी कमेटी है वो बातचीत कर ले, कमेटी बातचीत कर ले, प्रधानमंत्री जब पूरा फुल हो जाएगा। मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है इस पर आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? हम तो पीएम पर आप क्या कहेंगे? पीएम ने ही कानून वापसी का ऐलान, हमने तो कहा है तो पीएम को ही तो वापसी करने थे, किसको करने थे, हम जब से तो पीएम को ही तो कह रहे थे। आदिवासी चाहे प्रश्न
नहीं, आप हमेशा शक से देखते थे ना इस सरकार को, कहते थे कि बीजेपी को वोट नहीं दें, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे यूपी में, तो अब क्या कहिएगा लोगों के? ये आप लागू तो करवा दो इनसे, हम ये लागू तो करवा दो ना, अभी कागज मिल गया क्या? कागज मिल जाने दो, इसको वापसी हो जाने दो, एमएसपी गारंटी कानून है, तो दो चीज़ तो हमारी है।